हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिटनेस विद रीटा विद फिटनेस गुरु मैक्सिम। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं, हार्ड कोर वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं वो शॉर्टन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन से ही मसल जो है वो रिक्रूट होता है, और जब अगर हमें उनको वापस लेंथनिंग करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। सो आफ्टर यू कम्प्लीट योर वर्कआउट यू मस्ट स्ट्रेच टू स्ट्रेंथन एंड लेंथन द मसल्स। तो अगर हम उसको लेंथन नहीं करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। सो दैट टर्म इज़ कॉल्ड प्रोप्रोसेप्टरी न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे लेंथनिंग करने से हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो अच्छी होती है और हम लोग सेफ रहते हैं। इट्स गुड फॉर आवर जॉइंट्स एंड एक तरह से रिलैक्स भी होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग। तो आइए आज हम देखते हैं कि एक्सरसाइजेस के बाद पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग कैसे करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद स्ट्रेचिंग करी है, और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि पर्टिकुलरली जिस पार्ट की हमने ट्रेनिंग करी है, जो पार्ट में हमने वेट ट्रेनिंग करी है, उस पार्ट को स्पेशली लेंथन करना और स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो हमने दिखाया है उसमें सारे बॉडी पार्ट्स कवर्ड हैं। हैप्पी स्ट्रेचिंग। चीयर्स।